शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप को तो पूजा जाता है, लेकिन यहाँ पर मंदिर में आपको कुछ अलग नजर आएगा। यहाँ पर गणेश जी हो या फिर भगवान कार्तिकेय हो, उनका भी नारी रूप पूजा जा रहा है, यानी कि भगवान गणेश नहीं बल्कि गणेश्वरी के रूप में भी उनकी पूजा हो रही है। इसके पीछे की भी कथा जो है वो बहुत अद्भुत है। स्त्री वेश में भगवान शंकर, स्त्री वेश में भगवान गणेश, स्त्री वेश में भगवान कार्तिकेय भी। या सदियों पहले मंदिर बनवाते समय शिल्पकारों से फिर कोई भूल हो गई जो उन्होंने इन प्रतिमाओं को ऐसे स्थापित किया? पुराणों और कथाओं में भगवान शंकर तो अर्धनारीश्वर रूप में वर्णित हैं, लेकिन पूरी दुनिया में भगवान गणेश और कार्तिकेय को स्त्री वेश में न देखा न सुना। फिर क्यों भगवान गणेश स्त्री रूप में है? क्यों वो यहाँ गणेश्वरी कहलाते हैं? एक बार पार्वती जी तपश्चर्या करने के लिए एक गुफा में बैठी थी, तो उनको मिलने के लिए उन्होंने वहाँ पे अलाउ किया था कि जो भी स्त्री होगी वही उनको मिल पाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो अंदर जाने के लिए स्त्री का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गणेश जी ने उनका गणेश्वरी रूप धारण कर लिया और स्त्री होकर वो अंदर चले गए अपनी माता को मिलने के लिए। तो उसकी वजह से वो गणेश्वरी जी उस रूप में है। अद्भुत है ये मान्यता जिसे मंदिर की प्राचीन दीवारों पर अंकित कर दिया गया और परंपरा का ये अविश्वसनीय रूप संरक्षित हो गया। गणेश भगवान गणेश्वरी रूप में मंदिर के रक्षक के रूप में है। अद्भुत शिवलोक की अद्भुत परंपराएं और मान्यताएं। एक ही जगह पे आपको मंदिर का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक रूप दिख जाएगा। आप चाहे पत्थरों को देखें यहाँ पर या फिर जो धातु का हिस्सा है, हर एक हिस्सा जैसे अलग अलग युग की कहानी बताता है। अंदर से सैकड़ों साल पुराना शिवलोक है मंदिर, लेकिन बाहर से किसी इस्लामिक ढांचे जैसा दिखता है। ये कैसी भूल भुलैया है? ये मंदिर की कैसी अद्भुत अविश्वसनीय संरचना है? क्या ये भी निर्माण करने वालों की भूल है? एक तरफ अति प्राचीन मंदिर, दूसरी तरफ मंदिर का बाहरी ढांचा ऐसा कि मंदिर ही न दिखे। पेशवे के जो गुरु थे ब्रह्मेंद्र स्वामी, तो उन्होंने स्ट्रक्चर, उसका ये पूरा स्ट्रक्चर जो है उन्होंने बनवाया है। अच्छा। बाद में जाके, क्योंकि मुगलों को ऐसा लगना चाहिए कि ये मंदिर कन्वर्ट हो चुका है, तो मतलब दूर से देख के ऐसा लगता है जैसे दूर से मुझे ताजमहल का एहसास हुआ। जी 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 जी, वैसा ही कि अगर फिर से अगर मुगलों ने इसको तोड़ने की कोशिश की तो वो तोड़ ना पाए। अच्छा, तो उनके हिसाब से उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनवाया उसका। तो भीतर का जो ढांचा है वो अभी भी प्राचीन बचा हुआ है। जी, जी। लेकिन ऊपर का जो ढांचा है वो बहुत आधुनिक नए समय में बना। जी। मंदिर के बाहरी हिस्से को इस तरह बनाने की अद्भुत थी सोच, ताकि आक्रांताओं के आक्रमण से मंदिर सुरक्षित रह सके। क्योंकि मंदिर के अंदर जो प्रतिमाएं पत्थरों पर अंकित हैं, उन्हें देखकर ही यह पता लगता है कि कितनी बार मंदिर पर आक्रमण हुआ होगा। ये मंदिर ऐसा बाहर से देखकर लगता है कि थोड़ा पुराना और थोड़ा नया। हाँ। ये क्या बात है ऐसा? थोड़ा पुराना थोड़ा नया मतलब एक जो अब जो नीचे से जो लकड़ी का दरवाजा है वहां से अंदर आए, वहां से ये पीछे का जो है ये पुराना मंदिर है। बाद में जो ऊपर जो दिखता है, ऊपर का जो ब्रह्मेंद्र स्वामी मतलब पेशवा बाजीराव और छत्रपति शाहू महाराज, उनके जो गुरु थे उन्होंने मतलब ये बनवाया है, और पहले का ये नीचे का पुराना है।